मेहमानों के लिए क्या रे लो मैं घुमा
ಹಾಲು ಮನೆಗೆ ತಾರೆ ಮಳು ಕದಂಗಿ ನಮ್ಮ ತಳಮನೆ ಅರೆ ಅಂದರ್ದೆ ಜಲ್ಲಾರವ್ರೆ ಪುರ पूरा दीप जला जला के जला जला के पूरा राख कर देंगे नाला उसको तकलीफ दे रहा था हम लोगों को दे रहा था तो आ अरे पूरे को खत्म कर लेना रे इतनी तकलीफ रखो देना नहीं 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 तो पूरा मार मार के खत्म कर दिए खत्म कर और जकड़ ले गया सब ने हर जगह गया इतनी तकलीफ नहीं थी तेरी तरफ बहुत तकलीफ है रे छह महीने ज्यादा लेके तीन महीने ज्यादा लगी मैं ठीक हो जाता था यहाँ पर नहीं रे बहुत कमजोर हो जाता है दिमाग से तो होता है दिमाग में दवा है बल्कि ऐसा हो रहा है और क्या तकलीफ देता था तू बच्ची को उसको खाने नहीं देता था उसको ना वो पढ़ने भी नहीं देता था कुछ पढ़ने नहीं देता था उसको मैं वो पढ़ रही तो उसका नल्ला ही मर देता था रे नहीं लेकिन वो ताकत वाली है रे बहुत ताकत वाली है ताकत लगा के पढ़ती है रे वो और उसके माँ बाप को क्या दखली बांधी है अल्लाह को बहुत परेशान करा रे घर में से किसी को मारा क्या हाँ एक बच्ची को मारा बोला ना रे तेरे को इसको भी मारने वाला था रे देखा ना कैसा मारते हैं ये बहुत गली जगह है रे ये मेरे को कौन बचाने सकता बोल को बोल रहा था मैं मौलाना परसों आपके पास आ रही बच्ची को कौन नहीं बचा सकता मैं वो इस वास्ते बोल रहा था कि तुम उसका सुन के इधर आना नहीं प्लीज इधर ही नहीं दोनों बच के बात करना उधर है ना रे ऐसा था क्या प्लान प्लान था अब नहीं मालूम था रे आ रहे बोल के ना तो मैं अब तो नहीं चाहने देता था अब नहीं मालूम था मेरे को आ रहे क्या रुकावट डाल रहा था नहीं आने दे रहा था मैं क्या रुकावट डाल रहा था किसको भी कुछ भी बीमार पड़ा देना पैसों का कुछ भी नहीं करना ये बच्ची के भी दिमाग में वैसे चला रहा था तू उसको ले जाने के वास्ते बहुत कोशिश करा बीच में इलाज चालू हुआ बोल के अच्छा नहीं तो तू उसको ले जाने वाला था उसको लेके जा रहा था आ गई थी ना मेरी फौज रुका दिया ना आके कपड़े भी फाड़ लिए मौलाना पास उसका कुछ चल रहा है ना उसकी दाल गल रही नहीं उसकी बोल के कुछ भी कर रहा दीवाने चाले अरे तकलीफ में कौन ने क्या करेगा बोल रहे कितनी तकलीफ है मेरे को पूछ बहुत तकलीफ है तुमको तकलीफ दे रहा था 11 साल से अरे वो 11 साल की तकलीफ गई उधर ही गया बहुत तकलीफ है ये मैं भी देता ना फिर तेरे को तकलीफ कोई सी अरे बहुत तकलीफ है तू इतनी आसानी से दस छोड़ दे तू लोगों को परेशान करता लोगों की जान लेता तू अब तेरे को तकलीफ दिए तो तेरे को तकलीफ हो रही अरे बहुत तकलीफ है रही बहुत तकलीफ है रही आग लगाओ कि पेट में की दवा को जकड़ के बाहर लाओ अगर नहीं आ रही के अंदर मार मार के आग लगाते रहो अल्लाहुम्म اللهم يا حد وليد في حالي बाहर लो जब तक उन्हें बाहर नहीं निकलता नाला जब तक उसको मारते रहो है क्या तुम आगो पंचुरा लो वहां से मेरा क्या कर रहे कैसे कैसे मार रहे थे तुम बयान करिए लोगों को बता सबको कौन से टाइम पे आके मारते थे असर में मगरिब में सुबह में कब मगरिब में मारते थे मगरिब में आते
चिराग में जलाते टाइम पे आ जाते होंगे वो, पढ़ने भी नहीं देते थे मगर एक बार चिराग बुझा दिए, तेल गिरा दिए, मार पड़ दी थी बोलते ना कर रहा था और कहीं पूजा रहा था वैसा, और बच्चा है वो बच्चे की नाटी मत दी है एक बार। हाँ क्या चल रहे थे चाल बाज है वो? नहीं अरे बहुत तकलीफ हो रही थी रे, चीख चीख के कानों में पड़ रहे थे उन लोग, बच्ची को न पढ़ने दे रहा तो उन लोग कानों में चीख चीख के पड़ रहे। अरे वो अल्फाज से बहुत तकलीफ होती रे, वो दूसरे से नहीं होती, जो पहला लगाते नहीं उससे बहुत तकलीफ होती रे। फिर आते थे होंगे फौज भी आके बुक मारती होंगी तेरे को, बहुत मारती बाहर ले जाके मारते, अंदर जी मारते रूम में वही मारते रे, जला को राख करती बोलती रे तेरे के साथ करती। क्या ऐसा रहता हर चीज के तरीके रहते, उसको कैसा मार रहे, उसको मार मार के कमजोर कर रहे, तो उन्हें घर पे ड्रामे बाजिया कर रहा था, उसके घर पे ड्रामे बाजिया बोले तो चिराग जलाना नहीं, अमल करने दे रहा नहीं, कौन सा अमल पढ़ने दे रहा नहीं, क्यों नहीं पढ़ने दे रहा था, ये शैतान की जुबानी सुनो, इस वास्ते नहीं पढ़ने दे रहा था, उसको मार पड़ी थी। और जहाँ अल्लाह वालों का दर रहता और अल्लाह वालों के दर को अगर कोई बुरा बोलता तो वो रहता शैतान। अभी क्या बोल रहा था, बहुत गलीज जगह लाके फंसा दिए रे, तो याद रखना जिसने भी बुजुर्गाने दीन को बुरा बोला, दरगाहों को बुरा बोला, अल्लाह वालों को बुरा बोला, तो समझ जाना कि वो इबलीस का साथी है या वो खुद शैतान है, क्योंकि शैतान ही अल्लाह वालों को बुरा बोलता और शैतान ही बुरा बोलता, क्योंकि मैं मेरे जबानी और कहानियां नहीं सुना रहा तुमको, लाइव प्रैक्टिकल में बता रहा शैतान कैसा बुरा बोल रहा है। यहाँ गलीज जगह लाके फंसा दिए, यहाँ अल्लाह की रहमत बरसती, वहाँ शैतानों को गलीज दिखता, और जहाँ गलाजत रहती वहाँ उनके वास्ते वो बहुत बड़ी सजावट वाली जगह रहती, उनका वो बहुत वो रहता पार्टी की जगह समझो गलाजत, और जहाँ रहमत बरसती तो वहाँ उनको मार पड़ती ना, उस वास्ते नहीं आते ना नजदीक, आँख के जैसा मामला होता ना, आँख के नजदीक तुम जा सकते हो तो बात है। और जैसा जैसा अमल कर रहे तो क्या बोल रहा, वो अमल के दौरान में वहाँ पहुंच जा रही थी, उसको मार रही थी, तो हर चीज के तरीके रहते, मैं तो तुम्हारे घर को नहीं आ सकता बार बार, और मैं आके तुम्हारे घर में बार बार वो नहीं कर सकती, इसलिए तो अमल से कनेक्टेड फौज पहुंचती है, फिर उनकी ड्यूटी रहती है इसको मारना निकालना फेंकना, तो इसको जला रहे थे वो, क्या रे जला है, कितना जला है, वो जला दिए रे, इतनी ताकत दी है रे, क्या बोल रहा था नहीं घर पे हाजिर होके बड़े बड़े बात कर रहा था करते पहले, हाँ। कोई बचा नहीं सकता इसको, उसको नहीं भी कुछ नहीं करता सकता, उसके सामने नाटक कर रहा हूँ, कोई किसके औकात नहीं, मौलाना को खत्म कर दे तू, मैं बोला रे लंका हट जाना यहाँ से, बोलो क्यों क्यों बोला वैसा, ना यहाँ से हट जाना बोल को। हाँ देखो क्या बोल रहा था, मन भटक रहा था रे, मन भटक रहा था, अच्छा भटक रहा था, भटका रहा था अभी मैं, और तो और तेल डाल डाल के ज्यादा भटका रहा था, इधर आना नहीं, इधर जाने से इलाज नहीं होता, कुछ नहीं, एक बार गए क्या उन्होंने कुछ नहीं करते, मैं चुन कुमार तो ऐसा इन्हें बोल रहा था वो लोगों को, और वो लोगों का दिल दिमाग को भटका भी दे रहा था इधर से आने से, मगर यहाँ पकड़ेगा तो सुनो उसके जुबानी ऐसा रहा, ये बात जहन में बिठाना, यहाँ पर तुमको आने से कोई भी दिमाग दिल दिमाग किसका भी अगर रोक रहा, कोई भी तुमको मेरे पास आने से रोक रहा, तो समझ जाना कि कोई अदृश्य ताकत है जो तुमको इधर आने से रोक रही, क्योंकि उसको यहाँ मार पड़ने वाली है इसलिए। और एक बात जहन में चिंतन कर लेना कि बुरा सिर्फ वही जबान बोलती जो शैतान की रहती, अल्लाह वालों को, बुजुर्गाने दीन को और अल्लाह के कलाम को, और बाकी जो है तो क्या मैं बोलूं, मेरे बोलने का अल्फाज में सुन लो या प्रैक्टिकल में सब बता दिया मैंने, कि शैतान ऐसे रहती है, ऐसी दास्तान है, आग लगाओ उसके अंदर और तेज से। قل أحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا والله تعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى Ya Rabbi, 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 ya
جلاؤ اس کے اندر تیز سے آگ لگاؤ, ساری دوا نکالو اس کے اندر کی, مار مار کے باہر تیز کے ساتھ میں. جلاؤ اس کے پیٹ میں سے آگ لگاؤ تیز سے, دوا باہر نکال کے پھینکو, مار مار کے زری مجھے اندر دکھنا ہے وہ. مار دو اور تیز سے. کیسا رہتا کجا بول رہا ہوں کہ ادھر آنا نہیں, ادھر آنے نہیں دے رہا تھا, پہلی بار آن دیا, پہلی بار کے بعد دوسری بار نہیں آن دے رہا تھا کیونکہ مار پڑتی تو اٹکل اور دماغ سے آئیڈیا لڑا رہا تھا, جانا نہیں ادھر جانے سے کیا ہوں گا, علاج نہیں ہوں گا, تھوڑی ہوں گا علاج, تھوڑی جا سکتے ہوگا, ایک بار گئے برابر, ایک بار آ کے جانے کے بعد برابر سب کام پہ لگ جاتے, دکھ رہے نہیں تو اس کا مطلب کام نہیں کر رہے, محسوس کرو سب محسوس ہوتا ہے, اور پوچھانا رہا تو ایسے سامنے لا کے پوچھاتا ہوں. دیکھیے کیسا بیان کر رہا ہوں اس سارے داستان, اب اپنے پورا اپنا دماغ اور اپنی سوچ ایسی ہے کہ اپنے کو ہر چیز تو نہیں دکھتی, جو دکھنا ہے وہ دکھتا اور جو نہیں دکھنا ہے ستنا اللہ کا اللہ نے پردے ڈال کے رکھے تمہارے اس کے بیچ میں, تو بہت سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت ساری نظریں بھی ہونا ہے اسی پاور کو نبھاتے تو بہت دار, یہ بہت ساری باتیں پھر رہا ہوں ری اللہ مولا بھائی کے اپ کو اس میں اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو داستان ہے تم کو کہیں جانے سے روک رہی ہے, میرے پاس بھی آنے سے اگر روک رہی تو سمجھ جانا کہ شیطان ہے کرتی ہے آ کر وسوسے ڈال دوں, کیوں معلوم پہلی بار یا دوسری بار یا تیسری بار میں برابر پکڑ کے لیتا برابر مار کے ٹکڑا کرانے کی کاروائی کراتا, تو اس لیے ان کو تم کو آنے سے روک کے رہتے ہو, تمہارے رستوں میں اثر ڈالتے, دماغ اور دل پہ تمہارے قابو پا لیتے, جناتوں میں شیطانوں میں ایسی بات نہیں تھی خاص کہ وہ دل دماغ کو تیزی سے کنٹرول بھی کرتے تمہارے, بس ان کو اللہ نے دیا لی اس داستان میں طاقت ہے کہ دل اور دماغ کو پڑھ لیتے اور کنٹرول میں لیتے, بہت سارے راز ہے بہت سکتے, اس لیے تمہارا دل اور دماغ اگر پاک رہیں گا عبادت گزار رہیں گا تو یہ سب چیزوں کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ عزم ہو رہی دو منٹ ماتر اس کو نالا کر اس کے پیٹ میں دوا سب نکالو, مار مار کے پوری
खत्म करो उसको मार मार के कमबख्त को, बड़ा मस्तियां कर करके लोगों को बता रहा, जाना ले रहा था उसको, दिल की तड़पा तड़पा के मारो उसको पूरा, खत्म करो उसकी कमबख्त की औकात बता के उसको।